नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के गोड्डा में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। बीते साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की रात जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान चुन्ने यादव के रूप में हुई है। स्पेशल टीम ने जांच शुरू करते हुए पूछताछ के लिए मृतक के बड़े बेटे सुबोध यादव को हिरासत में लिया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो दो भाई और चार बहन है, लेकिन उसके पिता उसके छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे और अपनी जायदाद का ज्यादा हिस्सा छोटे भाई को ही देते थे। घटना वाले दिन उसकी अपने पिता चुन्नी यादव से इस बात को लेकर बहस हो गई। इसी विवाद में सुबोध यादव ने पुआल काटने वाले औजार से पिता की गर्दन काट कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी की माने तो उनके पिता अपनी संपत्ति को बेचकर उसके छोटे भाई को दे रहे थे, जो उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने बताया कि पिछले दिनों उसके पिता ने जमीन बेचकर मां का श्राद्ध किया था और बचे हुए पैसों को छोटे भाई को दे दिए थे। उसने यह भी बताया कि उसके पिता के पास 16 बीघा जमीन थी, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक कट्ठा जमीन ही दी थी, इससे भी वो उनसे आग बबूला था। पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर केस दर्ज करते हुए हत्या में इस्तेमाल पुआल काटने वाला धारदार औजार और खून से लथपथ सुबोध यादव के कपड़े बरामद किए हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज़।